कौन सा समाज सर? सत्पुरुष समाज। देखिए अगर वहाँ से हम लोगों को दिख रहे हैं तो बड़ी बात नहीं है, शब्दों पर ध्यान दीजिएगा, आपको बोला क्या जा रहा है, बताया क्या जा रहा है, ठीक है? कोई दिक्कत नहीं किसी को, समझते रहना, जहाँ पर ना समझ में आए वहाँ पर पूछिएगा। बात हम करते हैं सत्पुरुष समाज कहाँ पर होता है, यहाँ पर विभक्ति चिन्हों का योग किया जाता है। किसका योग किया जाता है? साथ में मन बनाए रखना, बोलते रहना। किसका किसका प्रयोग किया जाता है? विभक्ति का योग किया जाता है, विभक्ति चिन्हों का योग किया जाता है। किन विभक्ति चिन्हों का लोप किया जाता है? प्रश्न यह आता है किन विभक्ति चिन्हों का लोप किया जाता है, तो हम सबसे पहले इसको कैसे हम दर्शाते हैं, तो पहले प्रथमा, ये आ गई हमारी विभक्ति, ये क्या है? प्रथमा विभक्ति है। अब हमने कहा कर्ता, कर्ता क्या है? कारक है। कर्ता क्या है? कारक। ने, ने क्या है? यह चिन्ह है, प्रथमा कर्ता ने। फिर अब हम बात करते हैं यहाँ पर द्वितीय, किसकी बात करते हैं? बोलो, द्वितीय। द्वितीय द्वितीय में कौन सा कारक आता है? कर्म कारक आता है, बोलते रहोगे तो पता है। द्वितीय में कौन सा कारक होगा? कर्म कारक। और यहाँ पर चिन्ह होता है द्वितीय कर्म को। तृतीय, तृतीय में कौन सा कारक लगता है? तृतीय में कारण कारक होता है, कारण कारक से चिन्ह आपका आता है ने से द्वारा। और इसमें होता क्या है? इसमें लगाव होता है। जब से इन ने से द्वारा किसके योग में? लगाव के योग में। इसके बाद में आता है आपका चतुर्थी, कौन सा? चतुर्थी। चतुर्थी किसमें होता है? संप्रदान। किसमें होता है? संप्रदान का। संप्रदान में क्या होता है? के लिए। अच्छा ये दान रखना होता है। अच्छा ये मैं पढ़ा क्यों रहा हूँ? मुझे पढ़ाना तो समास है, समास पढ़ाना है, ये तो मानते हो। फिर मैं इनको क्यों पढ़ा रहा हूँ पता है? क्योंकि इनके माध्यम से ही, इनके माध्यम से ही समस्त आपके तत्पुरुष समासों का निर्माण किया जाता है। इनके अलावा कुछ एक समास और भी होते हैं, तत्पुरुष के भेद होते हैं, वो इससे न संबद्ध होकर अलग से होते हैं, उन्हें भी देखेंगे अभी के लिए। लेकिन किस हेतु? दान है, ठीक है। इस तरह में आता है हमारा पंचमी, पंचमी में होता है अपादान। अपादान किसके लिए प्रयोग करते हैं? से, लेकिन अलगाव। किसके लिए? अलगाव के लिए। आता है हमारा षष्ठी, षष्ठी किसके लिए प्रयोग किया जाता है? षष्ठी संबंध। किसके लिए? संबंध। इसमें होता है का होता है। तो षष्ठी पद में आता है हमारा सप्तमी। सप्तमी में क्या होता है? अधिकरण। सप्तमी में अधिकरण कारक रहता है, उसमें होता है ने और पद। इसके बाद में हमारा आता है संबोधन। संबोधन, लेकिन संबोधन से हमें मतलब नहीं, इसको काट दे रहे हैं। अब प्रथमा से भी मतलब नहीं, इसको हमने भी हटा दिया। मतलब किन से है? छह विभक्तियों से मतलब है, द्वितीय से सप्तमी तक छह विभक्तियां हो गई हमारी। हमें इनसे मतलब रखना है। कैसे मतलब रखना है, क्या करना है? आओ, द्वितीय में क्या है? कर्म है। चिन्ह क्या लगा है? को। इन चिन्हों को गायब किया जाता है। किसे गायब किया जाता है? चिन्हों को। अब एकदम अपने मस्तिष्क को स्थायी बना लो। कैसा बना लो? देखो, द्वितीय कर्म को, ऐसे शब्द जिनमें कर्म हो और को चिन्ह गायब हो, समझ लीजिए वो द्वितीय तत्पुरुष समास है। कैसे? कैसे? हमने कहा चिड़ी मार, तो आप इसको अब अलग अलग करो। चिड़ी मार अलग, चिड़ी क्या आ गया? को मारने वाला। तो मारना क्या है? कर्म हो गया। भाई चिड़िया को कोई मार रहा है, मारना क्या हो गया? तो चिड़ी मार चिड़िया को, और चिड़ भी आ रहा है, तो इसका मतलब इसमें क्या हो गया? कर्म तत्पुरुष समास, या इसको हम कहेंगे द्वितीय तत्पुरुष समास। किन नामों से जानेंगे हम इसे? हाँ, द्वितीय तत्पुरुष समास, द्वितीय। फिर बोलो कौन सा? द्वितीय। हाँ, द्वितीय या कर्म। अब ऐसे इसके बहुत से उदाहरण है, जैसे कर्म तत्पुरुष समास हो गया, और भी क्या कह सकते हैं हम इसको? नहीं, वो जैसे हो गया हमारा चली बात, जैसे होगा मुंह नोचवा, मुंह को नोचने वाला है ना। अभी कुछ दिन पहले बुक चल रहा था, मुंह नोचवा आ गया। फिर क्या है? स्वर्ग गत, स्वर्ग को गया। और इसके उदाहरण हम अच्छे अच्छे देख सकते हैं,
गगन चुंबी गगन को चुंबने वाला, चुंबने वाला। फिर हमने कहा चित चोर चित को चुराने वाला, घर फूंक घर को साधना। तुम तो घर फूंक तमाशा देख रहे हैं, तो घर को शाकाहारी शाक को प्राप्त करने वाला, शाक माने उनका सब्जी वाला। दिन कर दिन को करने वाला, कट फोड़वा काट को फोड़ने वाला, अच्छी होता ना कट 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 करके। आपने कभी देखा हो कोई पुराना बरगद का पेड़, कोई पेड़ होता है तो आपने एक पक्षी बैठना कट कट कर उसको क्या बोलते हैं, कट फोड़ा। कट मानो काट, काट माने लकड़ी। आपने सुना होगा काट का उल्लू, कहावत सुनी होगी काट का उल्लू। तो कट फोड़ा वाला, काट को फोड़ने वाला। तो हमने क्या था अभी सीख लिया है, कर्म का दूसरा, जहां पर कर्म की विवक्षा हो और को चिन्ह का उल्लू। तृतीय करण तत्पुरुष समास, तृतीय तत्पुरुष समास या करण तत्पुरुष समास ने से द्वारा। चिन्ह क्या आएगा यहाँ पर, ने से द्वारा। कैसे, अब यहाँ पर लगाव होता है। जैसे हमने कहा अकाल पीड़ित, तो अकाल से जब पीड़ित है तो लगाव, अकाल क्या है, अकाल से ग्रसित है। ग्रसित मतलब उसमें लिप्त है। लगाव का मतलब सिर्फ लगाव ही है ना, किसी चीज से लगाव हो, उसमें लिप्त हो। अकाल पीड़ित भूख मरी, भूख से मरा तो भूख लगी थी ना, लगाव, लगाव आंतरिक नहीं था लेकिन वो लगी पड़ी थी। भूख क्या थी, जितने आपको जब पेट में चूहे बोलते हैं मम्मी बहुत भूख लगी है, क्या कहते हो, लगी है। तो भूख से लगाव नहीं लेकिन वो फिर भी, कोई नहीं चाहता है कि मेरे खराब भूख से लगाव हो भाई, क्यों भूख लगे ना, लगे तो अच्छी बात है, है? लगी है नहीं कुछ तो क्या होता है। अब इसके और उदाहरण देखने को दिया के, हमने कहा हस्तलिखित हाथ से लगाव है, हाथ से लिखा गया। फिर ईश्वर प्रदत्त ईश्वर से दिया गया। फिर मदांध मत से अंधा, मत से अंधा। फिर तुलसी कृत तुलसी द्वारा, देखो ने से द्वारा है ना, तुलसी कृत तुलसी द्वारा लिखा गया। समझ में तो नहीं आ रहा है, आ रहा है तो समझते रहो, तो बोलते रहो तो ना, जब समझ में आ रहा है इसलिए पूछना पड़ा, समझ में तो नहीं आ रहा है। तो चतुर्थी संप्रदान, चतुर्थी में क्या है, चीजें आदान प्रदान की जाएंगी, ली और दी जाएंगी। जहां पर लेन देन की बात हो वहां पर क्या होता है, संप्रदान कारक होता है। यहाँ पर चिन्ह क्या होगा के लिए, हमने कहा मार्ग व्यय, क्या बोला, तो मार्ग व्यय का मतलब क्या हुआ, रास्ते के लिए खर्चा। आपको क्या मिलता है जब आप पेपर देने जाते हो, कहीं रिश्तेदारी को जाते हो, तो आपकी मम्मी पापा आपको क्या करते हैं, मार्ग व्यय देते हैं, पाथेय देते हैं, रास्ते में भोजन करने के लिए, रास्ते में कुछ खाने के लिए, के लिए। आपको मैंने उसको जाकर दे दिया, खा पी लेना, वो क्या वापस तुमसे मांगेंगे, भैया कितने बचे ना, वो खाने पीने के लिए दिए। तो ये क्या हो गया, दान कर्म में हो गया। और भी जैसे हमने कहा पशु आहार, किसके लिए आहार, के लिए। हवन सामग्री, के लिए सामग्री, देखो के लिए आ रहा, अभी तक के लिए किसी भी नहीं था, अब सब के लिए आ रहा है, हवन सामग्री, हवन के लिए सामग्री, ठीक है। तो इसके और उदाहरण जैसे, जैसे हमने कहा हथकड़ी, हाथ के लिए पुलिस वाले को पहनाते हैं, क्या पहनाते हैं, परीक्षा भवन, भवन काहे के लिए, परीक्षा के लिए। समझ में आ रहा है, कोई समस्या है तो बोलते रहना, ठीक है। महंगाई भत्ता, भत्ता काहे के लिए, कौन सा भत्ता, आलू वाला भत्ता, बेरोजगारी भत्ता, बेरोजगारी के लिए भत्ता, ठीक है। बैग गाड़ी काहे के लिए, गाड़ी के लिए निर्धारित, ठीक है। फिर अपादान कारक, कारक कौन सा है, पंच अपादान तो होगा इसमें पंचमी में होता है, या तो कहेंगे पंचमी तत्पुरुष समास या फिर कहेंगे अपादान तत्पुरुष समास। तो इसमें होगा से, लेकिन किसके, हमने कहा पथ भ्रष्ट तो पथ से अलग हुआ, धनहीन धन से, रोग मुक्त रोग से मुक्त हुआ, अलग हुआ, हट गया, दूर हुआ, विरस्त गया, है ना। तो इसके उदाहरण बुद्धिहीन, बुद्ध से जनक के दत्तों को पैदल आ गया, तो पैदल का मतलब क्या हुआ, बुद्धि है ना, खर्च बेकार, भय। अच्छा हाँ, भीत शब्द में भी जिससे डरा जाता है उससे भी तो दूर आदमी भागता है, जैसे सर्प भय, सिंह भय, तो इनमें भी जहां पर भय शब्द लग जाए वहां पर भी पंचमी विभक्ति होती है। अपादान कारक होता है क्योंकि उससे भी दूर हटना चाहता है।
जब किसी से द्रोह होता है तभी तो दूर होता है ना व्यक्ति, भाई जिससे प्रेम होता है उससे लगाव होता है, जिससे द्रोह होता है उससे दूरियां होती हैं, ठीक है। अब बात करते हैं संबंध, तत्पुरुष समास या षष्ठी तत्पुरुष समास, कौन सा समास बोला जाएगा, संबंध तत्पुरुष समास या षष्ठी तत्पुरुष समास। इसमें क्या होता है आपका संबंध या षष्ठी में आपका, जैसे हमने कहा गंगा जल, काहे का जल, का देखो काकी के आए गंगा जल, रामचरित किसका चरित, का चरित आ रहा है ना, फिर हमने कहा तुलसी दल किसका दल, तुलसी का दल, आम प्रपत्र आम का पत्ता, देखो काकी के ऐसे आ रहा है ना, तो यहाँ पर क्या क्या आएगा, यहाँ पर षष्ठी क्या होता है, संबंध होता है, हमने कहा रघुवंश, इसका मतलब क्या हुआ रघु का वंश, रघुवंश। फिर हमने विष कन्या, कैसी कन्या, विषकी कन्या, दूर रहना ऐसी कन्या गजले, राजकुमार राजा का या राज्य का कुमार, अमृत धारा किसकी धारा, सप्तमी। अब हम पढ़ रहे हैं ये सप्तमी तत्पुरुष समास, सप्तमी तत्पुरुष समास कहां पर होगा, जहां पर आधार दिया जाएगा, मे पर किसके योग में, आधार किसी चीज को रखने का जब आधार दिया जाए, जैसे हमने कहा ये मार्कर किस पर रखा है, किताब पर आधार दे दिया ना, अब अगर हम इसको इसके अंदर ऐसे रखें तो किताब में आधार है, तो कैसे हमने कहा इसके उदाहरण के लिए अगर हम बात करें, हमने कहा सभा पंडित, तो आधार क्या है सभा, सभा में पंडित, रण विजय रण में, दही बड़ा दही बड़ा, दही जब डूबा बाहर रखे रहो बड़ा नहीं, दही जब डूबा तब रसगुल्ला, रस में जब डूबा बाहर ऐसे रखे रहे सूखे ना कोई रसगुल्ला नहीं, जब रस में वो डूबा तब गुल्ला रसगुल्ला, गृह प्रवेश घर में प्रवेश है ना, फिर क्या आप बीती अपने आप, आप नहीं देते हम पर कुछ नहीं देते, आप देते मतलब अपने आप पर देते, जैसे ना कहते हैं जय के पाठ गायन में माई शो का जाने मतलब खुद पर जब बीतती है तब व्यक्ति उस चीज को मन मौजी, ये तो मन मौजी अपनी अपनी मौज में मन मौजी। तो इस प्रकार से आपने तत्पुरुष समास को समझा। अब ये बताओ कहीं पर कोई कंफ्यूजन है, जल राशि, जल की राशि, जल की राशि, तो की कहाँ आएगा, षष्ठी सम भाई राशि का संबंध जल से है, हमने कहा अन्न राशि, अन्न की राशि, कोष राशि, कोष राशि, कोष माने होता है वित्त धन, धन की राशि, तो किसी भी में अन्न राशि। और कोई आपका प्रश्न है, कुछ जानना कुछ जिज्ञासा है, कौन सा भैया, तृतीया, तृतीया में लगाव होता है, नहीं समझ में आया तो फिर समझ लो, तृतीया में क्या होता है लगाव होता है, लगाव। अब लगाव का मतलब होता है जिस साधन का तुम प्रयोग करो उसमें भी, तो जैसे हमने कहा मैं मार्कर से लिख रहा हूँ, किससे लिख रहा हूँ, तो भाई मार्कर से लगाव है ना, हाथ में है लगाव, हमने कहा मार्कर हाथ से छूट गया, मार्कर हाथ से तो क्या हो गया, अलगाव हो गया, तो जब दूरी हुई तो अलगाव, और जब मार्कर हाथ से लिख रहा हूं मार्कर से, तो जिस साधन का प्रयोग किया जाता है उसमें भी लगाव होता है। आओ उदाहरण देखते हैं, क्यों नहीं समझ में आखिर, हमने कहा गीतों की अंजलि, गीतांजलि गीतों की अंजलि संबंध में होगा, संबंध में है भाई, गीत की अंजलि, अंजलि माने होता है ऐसे अंजलि जो दान करते हैं ना, अरे विवाह जब होगा तो सब लोग अंजलि कहेंगे, हाँ अंजलि देते भैया पंडित चार बार तुमको बुलाएगा, ऐसा अंजलि में भर के ले आओ तब तुमको याद रहेगा अंजलि क्या,
आएगा वो समय, आप लोग बस नौकरी करने लगो। हमारी इच्छा ये है कि वो समय कब आए, जब तब तक आपकी नौकरी लग जाए, बढ़िया से बढ़िया नौकरी हो, तब अंजलि भर के तुम सोना चांदी भर के ले जाओ अंजलि में, है ना, हमने साथ साथ तब अच्छा है। आओ हाँ, आप बात कर रहे थे तृतीया की, तृतीया का जो है समझ में आ रहा, तो देखो हमने कहा पद यात्रा, पद तो कैसे यात्रा की, तो पैर से हटाओ है ना, कि पैर हटा देते हो तब यात्रा, हस्त लिखित हाथों से, तो हाथों से लगाओ है ना, हाथ ना हो तो लिख लोगे, लिख सकते हैं है ना। और कहते हैं हमने कहा मुंह मांगा, तो किससे मांगा, फिर लगा हो गया, फिर हमने कहा प्रकाश युक्त, प्रकाश से युक्त, तो जैसे ये ट्यूब लाइट जल रही है, तो यहाँ प्रकाश है, तो प्रकाश कब है, जब इससे लगा इसको बंद कर लो, लगा होगा खत्म करो, तो प्रकाश युक्त, प्रकाश से युक्त, यही तो बोलोगे ना, तो से कहाँ आएगा, ये अलगाव में होगा, लगाव में, लगाव में होगा, अब कहाँ पर तुम्हें कंफ्यूजन है बताओ, क्लियर हो गया, भारत रत्न, भारत का रत्न, भारत का रत्न संबंध है, रत्न का संबंध भारत से, भारत का संबंध मिच्छा होगा, ये भिक्षा क्या होगा, समाज में दो या दो से अधिक पद होते हैं, भिक्षा में कौन से दो पद हैं, भिक्षाटन में होगा, भिक्षाटन, भिक्षा के लिए अटल, भिक्षा के लिए जाना, तब हो जाएगा आपका संप्रदाय, भिक्षा के लिए, भिक्षा शब्द में नहीं होगा, समझ में आ गया, दीक्षा का अर्थ अपन विषय से हट गए, दीक्षा का अर्थ होता है प्रशिक्षित करना, दीक्षा का मतलब होता है प्रशिक्षित करना, जैसे मैंने कहा जाओ हम आपको आज दीक्षा देंगे, आओ हम आपको आज मतलब कुछ हम आपको प्रशिक्षण देंगे, और शिक्षा का मतलब होता है पढ़ाना, शिक्षित करने का मतलब पढ़ाना, और दीक्षा का मतलब प्रशिक्षित करना, और कोई कंफ्यूजन हो तो बताओ, क्लियर हो गया, ठीक है, आगे का हम आपको बताएंगे।